गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने गार्डन में अरबी के प्लांट लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे पत्ते आए हुए हैं, तो सोचा इसका कुछ बनाया जाए और आपके साथ शेयर भी किया जाए। आप देख पा रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है, तो चलिए सर्वप्रथम इसको तोड़ लेते हैं। चलिए फाइनली हमें इसे तोड़ के घर ले आई हूँ। हमने पत्ते तो ढेर सारे थे, लेकिन हम यहाँ चार तोड़े हैं। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ताज़ी है। चलिए हम सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। चलिए हम इसको वॉश कर लेते हैं। धोना बहुत ज़रूरी है, हमारे इसमें पानी नहीं दिखता है, फिर भी धो लेते हैं। सभी के धो लिए हैं, अब देखिए क्या करना है। ये जो डंडियाँ हैं ना, इसकी जितने भी नसें हैं, वैन सिरा जो भी बोली, इसको हमें हटा लेना है। इसको बिल्कुल पिचका दीजिए और इस तरह करके, यही खारिज करती है सबसे। चलिए हमने इसको हटा दिया है डंडियों को, इसी तरह सभी को हटा लेते हैं। सभी की डंडियाँ हमने हटा लिया है कुछ इस प्रकार। पिछले बार हमने, याद होगा आपको, पकौड़े बनाए थे इसका ड्राई। आज हम इसको कुछ अलग तरीके से ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे ताकि आप इसे बना सकें आसानी से। अब हमने इसको धो लिया है, अब करना क्या है आपको, ये चारों साइड से आपको फोल्ड करनी है कुछ इस प्रकार। ऐसे करते जाइए, स्टार्टिंग से बिल्कुल कम लेते जाइए, बिल्कुल इस तरह करके सभी को फोल्ड कर देते हैं। अब सभी को हमने इसको बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, कोई प्लेट लीजिए और उसके बाद इसको हम बारीक इसको काट लेंगे। बिल्कुल बारीक काटना है, ओपन होगा कोई बात नहीं, फिर से फोल्ड हो जाएगी, इसको रहने देते हैं। बिल्कुल बारीक इसी तरह काट लेंगे, कुछ इस प्रकार इस तरह काट लेंगे सभी को। चलिए हमने सभी को काट लिया, आप देख पा रहे हैं जितना आप बारीक काट सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देसी है इसलिए थोड़ा सा तेल लगा के हाथ में काटिएगा। चलिए अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं एक बाउल, बाउल में हम एक कप बेसन डाल रहे हैं, डेढ़ कप दो कप जितना ले सकते हैं आप। हमने दो कप बेसन लिया है, वहीं आप दो बड़े चम्मच या छोटे चम्मच से भी लेते हैं तो चार स्पून चावल का आटा लीजिएगा। पिछले बार हम जब ने बनाया था तो साबुत दाल और चावल भिंगो के बनाया था, उस सबके लिए संभव नहीं है। चलिए अब सभी मसाले इसमें मिला देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, डालेंगे फिर 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च और जाएगी अदरक लहसुन का पेस्ट। कितना, 1 स्पून अदरक का पेस्ट और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला, ये जाएगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल इसलिए डालते हैं कि एक तो इसकी खुशबू अच्छी लगती है और दूसरा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और हम अजवाइन लिए हैं जो डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है, इसमें हम क्रश करते हुए डाल दिए। और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी भी डाल रहे हैं और डाल रहे हैं धनिया का पत्ता, 1 स्पून धनिया का पाउडर डाल रहे हैं। और ये जाएगी हम हींग, हींग डाल रहे हैं कितना, 1 पिंच। और हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच दही। आप यहाँ दही की जगह लेमन का जूस डाल सकते हैं या तो अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई भी खटाई डाल दीजिए। खटाई हम इसलिए डालते हैं कि खारिज ना हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये इस पत्ते को सभी को डाल देंगे। चलिए अब सभी को सूखा ही हम पहले मिक्स कर लेते हैं। ये विस्कर से स्पून से मिक्स नहीं होगा जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे, साफ हाथों से इसे सबसे पहले मिक्स कीजिएगा। इससे आपको इसलिए मिक्स पहले करने बोल रहे हैं ताकि आपको पानी का जो है इसमें कितना वाटर लगेगा आपको पता लग जाए। आप देख पा रहे हैं इतना सारा डालने के बाद काफ़ी इसमें मॉइस्चर आ चुकी है, इसीलिए अब हम पहले इसके, क्योंकि हमने दही डाला है, हो सकता है जब आप अमचूर पाउडर डालेंगे तो आपको पानी ज़्यादा लग सकती है। आप चाहें तो चावल का आटा स्किप भी कर सकते हैं, बेसन से क्या होता है सॉफ्ट बनेगी और चावल का आटा डालने से क्रिस्पनेस आ जाती है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा डाल करके एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के पानी इसका एक पेस्ट बना लिया है, आप देख पा रहे हैं उससे गाढ़े इस तरह कुछ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक सुराग वाली थाली
लीजिए, कोई भी स्टीमर ले लीजिए ताकि ये स्टीम हो जाए अच्छे। स्टीम हम इसलिए करते हैं कि खारिज जो होती है ना इसकी कम संभावना होती है। चलिए इसको तेल ग्रीस कर लिया हमने। चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, एक स्टीमर तैयार कर लेते हैं। इसमें एक दो गिलास पानी डाल दीजिए और पानी को थोड़ी सी उबलने दीजिए। अब जब तक वो स्टीमर तैयार हो रही है, अब क्या करना है, हाथ पानी के हाथ से इसको एक पकौड़े का आकार दे दीजिए। कुछ थोड़ा थिक ही रखिएगा, इसकी पकौड़े जो होती है ना बहुत थोड़ा थिक होती है। कुछ इस तरह करके सभी को डाल दीजिए। चलिए सभी को इसी तरह डाल लेते हैं। सभी पकौड़ों को हमने बना के इसमें सेट कर लिया है और इसमें ध्यान रहे थोड़ा गैप गैप करके देना। उधर स्टीमर भी तैयार है, चलिए हम चलते हैं। पानी उबल रही है, अब आप कोई भी कटोरी या कोई भी यार डाल दीजिए, नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। इस थाली को अब इसमें हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम अब हम लो टू मीडियम रख के इसको कवर कर देंगे और पकने तक पकाएंगे स्टीम से। जब तक ये स्टीम होती है तब तक हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हम यहाँ दो प्याज लिए हैं और तीन हरी मिर्च लिए हैं, दो टमाटर लेंगे लिए हैं जिसका प्यूरी बनाएंगे, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और छः सात कलियाँ लहसुन के लिए हैं, साबुत धनिया लिए हैं, 1 तेज़पात लिए हैं और 4 जो है कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं जो कि कलर आती है, ये आपको पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं, और 1 स्पून जीरा साबुत लिए हैं, 10-12 दाने ब्लैक पेपर लिए हैं। प्याज को चाहे तो आप पेस्ट बना सकते हैं, चाहे तो आप काट के भी डाल सकते हैं। चलिए हम अदरक लहसुन इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि मिक्सी में इकट्ठा पीसेंगे, इसलिए हमने पेस्ट नहीं रखा। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं और धनिया साबुत की जगह धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए 1 स्पून अजवाइन लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, हल्दी 1 स्पून लिए हैं और 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं और गार्निश के लिए धनिया लिए हैं। चलिए सबसे पहले धनिया डाल लेते हैं, लहसुन डाल लेते हैं, अदरक डाल लेते हैं, हरी मिर्च डाल लेते हैं और ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लेते हैं और एक तेज़पात को टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देते हैं, साबुत जीरा और ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं। सभी को पानी डाल के एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलिए सभी को हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं, अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। हमने टमाटर की भी प्यूरी बना लिया है। अब हम प्याज को जो है आज हम काट के डालेंगे। चाहे तो प्याज का पेस्ट बना सकते हैं लेकिन हम आज यहाँ काट के डाल रहे हैं। प्याज को बारीक काटने का तरीका, एक पीलर लीजिए बिना झंझट का, ऐसे इस तरह काटेंगे आप बिल्कुल बारीक, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बारीक कट रही है, इसी तरह हम इसे काट लेते हैं। चलिए सभी को हमने काट लिया है बारीक, अब हम बढ़ते हैं स्टीमर की तरफ। चलिए स्टीम होके पकौड़े जो है स्टीम हो चुकी है, अब हम इसको गैस को करते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। ओपन होके ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके ग्रेवी तैयार करते हैं। हमने लिया है कढ़ाई, इसके बाद लिए है तेल, जाएगी तेज़पात और सूखे सभी दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 लौंग, 2 ब्लैक पेपर। चलिए डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, साबुत जीरा देंगे हम प्याज। गैस की फ्लेम स्लो करके हम थोड़ी सी इसे भूनेंगे। प्याज थोड़ी सी ब्राउनिश हो चुकी है, अब हम इस पर डालेंगे नमक, जाएगी हल्दी पाउडर, सभी को मिक्स कर देते हैं। अब जो हम मसाला पीस के रखे हैं वो मसाला यहाँ हम डाल देते हैं, उसको भी भूनने तक इसे भूनेंगे। थोड़ी सी जो मसाला वाला पॉट है उसको भी धो के डाल दें। पानी डालने से मसाले क्या होता है, इसको टेस्ट इसका अच्छा आता है और उसके साथ साथ भूनने के बाद गले में नहीं लगता है। जब ये हाफ भून जाए तो आप इस वक्त टमाटर की प्यूरी डालेंगे, इसको साथ साथ भूनते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं मसाला भून चुकी है, तेल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ 2 चम्मच दही डाल देंगे, इसको भी थोड़ी देर, गैस की जब आप दही डालें तो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और आपके हाथ जो है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ये भून चुकी है, अब हम ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितना रखना चाह रहे हैं उतना आप पानी यहाँ डाल दें और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के इसे पानी में उबाल आने दें। तो जब तक ये उबल रही है तब तक हम जो पकौड़े हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं।
इस पकौड़े को आप अब ठंडी हो चुकी है तभी आप थोड़ी सी देर के बाद इस तरह करके सभी को निकाल लें। कुछ इस प्रकार आपने देखा निकल जाती है आसानी से, इसी प्रकार सभी को हम निकाल लेते हैं। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पर। अब हमने तवा ले लिया है नॉनस्टिक का, आप इस पर दो छोटे स्पून से तेल डाल दें और तेल को गर्म होने दें। तेल जब गर्म हो जाती है हम काली सरसों का चटकने तक इंतज़ार करें इसे। ये हमारा चटक गया है, अब जितने भी पकौड़े हैं हम इसमें यहाँ डाल देते हैं। इसका सेलो फ्राई करना है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लगे वन साइड हो जाए इसे उसके पलटा लें। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश सीड डाल रहे हैं, सफ़ेद तिल होता है। चलिए अब दोनों साइड क्रिस्पी हो चुकी है, अब जो गैस कुकर पे ऑफ इधर उबाल आ चुकी है, अब हम सारे पकौड़ों को डिप इसमें डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे भी उबलने देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप इसे पकौड़े की तरह ऐसे भी खा सकते हैं बिना ग्रेवी का, लेकिन हम पकौड़े इसलिए नहीं बनाए कि अगर हम पकौड़े बनाएंगे बिना स्टीम का तो खारिज ज़्यादा करेगी। चलिए 5 मिनट उबलते हुए हो चुकी है और कलर बहुत अच्छा प्यारा आया है, चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे धनिया से गार्निश कर दिया है, आप इसे रोटी चावल पराठे की हर किसी के साथ खा सकते हैं और यकीन न मानिए बहुत टेस्टी बनी है सब्जी। और इसी तरह बनाइए और इसे अपनी फैमिली के साथ वीकेंड में इंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।